राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन, ओकर माध्यम से भी हमारे संस्कृति देश दुनिया जाने और देश दुनिया में का होत है हमारे छत्तीसगढ़ के लोगन जाने। फिर ओकर बाद अभी छत्तीसगढ़िया ओलंपिक चलत है, सबो जन भुलागिरी से गिल्ली डंडा खो खो कबड्डी कबड्डी वगैरह, खैर ओलंपिक में भी शामिल है, लेकिन फुगड़ी वगैरह हमारे छत्तीसगढ़ के मतलब हमर खेल ऐसे कह सकते हैं, दावा कर सकते हैं देश के, और कोई राज्य नहीं जिन फुगड़ी में दावा करे कि हमरों में खेले जाते हैं। दूसर पिट्टू वगैरह तो सब जगह देखे मिल जाए, बिल्ला पिट्टू और बाटी भावरा ये तो हो जाए, लेकिन फुगड़ी हमर दूसर प्रदेश मन में शायद ही कोनो जगह खेले जात हुई जिन हमारे छत्तीसगढ़ में खेले। तो लगातार हमारे उनके प्रयास ये है कि ये सबों तरफ से प्रयास हुई तब पूरा छत्तीसगढ़ की जिन संस्कृति है तेन वो देश दुनिया के मानचित्र में आ सके, वो दिशा में लगातार प्रयास। और जिन घटना घटते तेला हमारे साहित्यकार मन लिखते हो, वो का संभावना है तेकर बारे में संकेत भी देते, विसंगति है तेकर ऊपर उंगली भी रखत चलते। तो ये सब चीज समाज में समाज ला दिशा दे के काम हम साहित्यकार मन करते थे। तो लगातार हमारे छत्तीसगढ़िया जतका साहित्यकार है ते मन हाँ रचना भी रचत है, और लोगन हाँ जिन छत्तीसगढ़ी संस्कृति जिन नंदागिरी से भुलागिरी से फिर से जैसे कोनो रस्सा खींच है या फुगड़ी है या गेड़ी दौड़ है, तो वो 60-70 वाला मन हाँ इनाम पावत है, काबर के बीच की उम्र वाला मन हाँ खेले भुलागिरी से। पुराना मन खेले थी पैक फुगड़ी में 35 मिनट के रिकॉर्ड बनाया है 70 साल किसी अनहीन चांपा जहांगीर में राजनांदगांव में। तो ये बीच के जिन एज ग्रुप के है ते मन है सब ये चीज भुला गए से, अब नवा लड़का मन है ते फिर खेले शुरू करे, तो एकर से एक अच्छा वातावरण बने हैं। मैं अवसर पे राजभाषा दिवस के अवसर में आप सब लोग बधाई और शुभकामना देता हूँ, धन्यवाद। हाँ खात खात गुठियाओ, हाँ बताओ।